SN2 रिएक्शन, कल SN1 हुआ था। SN2 में 2 का मतलब होता है बाई मोलिकुलर, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन जो कल बताया था, नहीं देखा देख लीजिए। N मतलब न्यूक्लियर सिलिक और 2 का मतलब बाई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर 2 का मतलब हुआ। चलिए आगे समझिए, इसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, जनरली इसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। ऐसे समझिए सी एस थ्री बी आर, सी एस थ्री बी आर। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन छोटा छोटा ग्रुप है, इसलिए बैक साइड से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल चलाएगा। ब्रोमीन जिस साइड से होगा उसके अपोजिट साइड से कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। ब्रोमीन जिस साइड से होगा उसके अपोजिट साइड से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो होगा क्या कि ब्रोमीन, पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया का दर न्यूक्लियोफाइल तथा एल्काइल हैलाइड दोनों के सांद्रता पर निर्भर करता है, SN2 रिएक्शन कहलाता है। इंग्लिश में होगा सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज SN2 रिएक्शन। चलिए डिफिनेशन हो गया, तब इसको आगे समझिए। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि हाइड्रोजन छोटा छोटा ग्रुप है, कल वाले में मिथाइल मिथाइल सब में था, या इथाइल था या प्रोपाइल था, तो बड़ा बड़ा ग्रुप होता है। जब बड़ा बड़ा ग्रुप होगा तो पीछे से जगह नहीं मिलेगा, इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा। पीछे से जब आएगा, अच्छा आप ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफाइल कौन चार्ज लेके आएगा, माइनस, हटाना किसको है, ब्रोमीन को, वो भी माइनस लेके हटेगा। तो ब्रोमीन को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को लाना है। कल वाले में याद कीजिए कि कल पहले ब्रोमीन को हटा दिए थे, या कोई लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन क्लोरीन को भी लिविंग ग्रुप हट गया था, तब न्यूक्लियोफाइल आया था, या दोनों एक साथ होगा। धीरे 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 जितना करीब आएगा न्यूक्लियोफाइल, अब समझिए इसको, जितना करीब न्यूक्लियोफाइल आएगा आप बैक साइड से, उतना ही दूर पहुंच जाएगा ब्रोमीन। इसका मतलब है कंप्लीट ये बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट रहा है और धीरे धीरे ये बॉन्ड बन रहा है। तीन को बॉन्ड तो कांस्टेंट है, ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड धीरे धीरे बाहर जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे क्या होगा, नज़दीक आ रहा है। क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर पांच बॉन्ड दिख रहा है, तो ये काम आसान नहीं है। और जो आसान काम नहीं होगा वो धीरे काफ़ी स्लो होगा, तो ये जो स्टेप है काफ़ी स्लो है। ये जो अवस्था हुआ इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद तुरंत ये बदल जाता है, यहाँ से ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ब्रोमीन बाहर हो गया माइनस लेके और न्यूक्लियोफाइल आ गया। अच्छा, यहाँ जो दिख रहा है कि डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल का माइनस चार्ज यहाँ दो भाग में बटा हुआ है, कुछ चला या न्यूक्लियोफाइल पे कुछ ब्रोमीन पे। अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का सारा नेगेटिव चार्ज लेके कौन बाहर हो जाएगा, ब्रोमीन। फिर से समझिए, ये एल्काइल हैलाइड है जो 1 डिग्री है, न्यूक्लियोफाइल है इस पर माइनस चार्ज है। तो इसमें करना क्या है कि न्यूक्लियोफाइल को लाना है, ब्रोमीन को हटाना। ब्रोमीन के ऊपर क्लोरीन आयोडीन भी हो सकता है, जिसको लिविंग ग्रुप कहेंगे, मतलब हैलोजन यहाँ पर कौन ग्रुप हुआ, लिविंग ग्रुप, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। तो इसमें ब्रोमीन को हटा के या क्लोरीन को हटा के या आयोडीन किसी को हटा के न्यूक्लियोफाइल को लाना है। तो कल वाले रिएक्शन में पहले ब्रोमीन को हटाया था तो कार्बन पर प्लस चार्ज आया था, यहाँ वैसा नहीं होगा। धीरे धीरे क्लोरीन ब्रोमीन हटेगा, जितना वो दूर जाएगा उतना नज़दीक कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। और ये अवस्था जो होगा बीच का, ये ट्रांजिशन स्टेट है, और तुरंत ये बदल जाता है कि इसमें यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, न्यूक्लियोफाइल चला आएगा। तो इसको दो स्टेप नहीं समझना है, एक स्टेप समझना है। ये दोनों मिलके ये होते हुए इसमें बदल जाता है, इसमें ये स्टेप क्या है स्लो, ये स्टेप क्या है फास्ट। वो पूछेगा कि कितना स्टेप होता है, तो एक ही स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेट ही टेम्प्रोरी है, तुरंत इसमें बदलता है। तो अब ध्यान दीजिए कि इसमें ये जो अवस्था हुआ आपका, इसमें स्लो स्टेप में कौन कौन है, एल्काइल हैलाइड भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। स्लो वाले स्टेप में एल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। कल बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, स्लो वाले पर। तो स्लो वाले में यहाँ पर एल्काइल हैलाइड भी है,
तो उसका भी कंसंट्रेशन होगा, और साथ क्या है न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों का पावर एक एक है, न्यूक्लियोफाइल है ये, स्लो वाले में दोनों है, तो दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा इसीलिए इसका इसको क्या कहते हैं SN2, मतलब बाई मोलिकुलर। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे तब समझ में आएगा, समझिए कि पावर है ये, पावर होगा दो, इसीलिए इसका नाम क्या है SN2। तो SN2 में क्या हुआ कि दोनों एक साथ होता है, लिविंग ग्रुप हटता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, बीच वाला वर्षा ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये स्लो होता है, और ये जो ही ट्रांजिशन स्टेट में आएगा तो लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से आएगा, जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटेगा या जिस साइड से हाइड्रोजन ग्रुप था उसके अपोजिट साइड से आएगा। अब उतारना कैसे है, ये दोनों को जगह नहीं था इसलिए नीचे कर दिए, ये बनाइए और उसी के नीचे एरो दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन एक स्टेप का है, कल वाला रिएक्शन दो स्टेप में था, कल वाला में पहले बॉन्ड टूट गया था तब बॉन्ड बना था, आज बॉन्ड टूटने और बनने का काम एक साथ हो रहा है, मतलब ब्रोमीन हट भी रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है। बीच वाला स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। स्लो वाला में चूँकि दोनों हैं एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं SN2। तो कंप्लीट कीजिए।